Well, hello everyone, welcome to the Star Education to learn the all concepts of science. Myself Brijesh Dubey और आज हम study कर रहे हैं NCERT syllabus से class 7 से chapter number 1 that is nutrition in plants. Yes, तो ये हमारा इस chapter का first lecture है जिसे हमको बहुत ही ध्यान से सुनना है और समझना है, ठीक है, क्योंकि ये chapter जो है बहुत ही ज्यादा important है. आगे भी जैसे हम standard में जाएंगे तो इसके about हम study करने वाले हैं. तो हमारा base जो है वो यहाँ से क्या करना है, हमको एकदम strong कर लेना है ताकि आगे जाके हमको problem बिल्कुल भी ना आए. और दूसरी बात, यहाँ से हम ऐसे स्टडी करने वाले हैं, ऐसे स्टडी करेंगे कि जैसे एकदम आपको आसानी से सब कुछ लर्न हो जाए. इसके अलावा अगर आपके पास टेक्स्ट बुक वगैरह नहीं है, आपको प्रॉब्लम हो रही है स्टडी करने में, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो को पॉज करके आप उसको नोट भी कर सकते हैं. तो रेडी हो जाइए, एक नोटबुक ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए, ठीक है, ताकि आप साथ में लिखते भी रहें और स्टडी भी करते रहें. ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सो चैप्टर नंबर 1 है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ओके, सो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पहले इसका मैं आपको थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूंगा है क्या. एक्चुअली होता ऐसा है कि हम सर्वाइव कर रहे हैं, है ना, जी रहे हैं. उसी तरीके से प्लांट्स है, वो भी सर्वाइव कर रहे हैं, वो भी जी रहे हैं. सो ये चीजें हमको पता है, बेसिकली क्लास 6 में ही स्टडी कर चुके हैं इसके बारे में कि प्लांट्स लिविंग थिंग्स हैं और हम भी लिविंग थिंग्स हैं. सो हमको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होता है, तो बेसिकली तीन चीजें चाहिए होती हैं. एक तो ऑक्सीजन चाहिए होता है, दूसरा क्या है, वाटर चाहिए होता है, और थर्ड क्या है हमको, तो थर्ड है हमको फूड चाहिए होता है. सो फूड में से हमको क्या मिलता है, फूड में से हमको न्यूट्रिशन मिलता है. तो उसी न्यूट्रिशन के अबाउट हम इस पूरे चैप्टर के अंदर में स्टडी करने वाले हैं. और मेनली किसके अबाउट स्टडी करने वाले हैं, तो प्लांट्स के अबाउट में हम स्टडी करने वाले हैं कि प्लांट्स के अंदर में ये न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है और किस तरीके से उनको न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. नाउ इंट्रोडक्शन की हम बात करें, फूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक थिंग फॉर लाइफ. लाइफ के लिए, जिंदा रहने के लिए फूड जो है वो बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है ना. बिना खाना खाए चल सकते हैं एक भी दिन? नहीं ना, चक्कर आने लगते हैं हमको बिल्कुल. सो फूड की जरूरत हमको पड़ती है, जैसे हमको ऑक्सीजन और वाटर की जरूरत पड़ती है. नाउ सेकंड पॉइंट इज कंपोनेंट ऑफ फूड देखते हैं. तो फूड के अंदर मेनली होता क्या है वो देखते हैं, उसको हम कंपोनेंट्स कहते हैं उसके. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. सो फूड के अंदर में मेनली जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट होता है, विटामिन्स होते हैं, कई तरह के विटामिन्स होते हैं, और उसके अलावा मिनरल्स भी होते हैं कई तरीके के, ठीक है, जो हमको क्या करते हैं, हमको एनर्जी देते हैं, ठीक है. ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिक्वायर फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड गेटिंग एनर्जी. सो हर प्लांट्स और हर एक एनिमल को, ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होता है, हमको एनर्जी चाहिए होती है ना. हमें भी एनर्जी चाहिए होती है. बिना एनर्जी के हम कोई काम कर सकते हैं क्या? ना खेल सकते हैं, ना कूद सकते हैं, ना बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते. तो हमारी बॉडी को क्या चाहिए, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए और क्या चाहिए, ग्रोथ. किससे मिलती है वो? फूड और उनमें रहे विटामिन्स और मिनरल की वजह से. नाउ सो न्यूट्रिशन हम किसे कहेंगे? ये न्यूट्रिशन की अगर हम कहें तो डेफिनेशन भी है, तो इसे ध्यान से समझना है. द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय एन एनिमल टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो जो फूड एनिमल्स लेते हैं उसका उपयोग, यूटिलाइजेशन किस लिए करते हैं? वो अपने ग्रोथ के लिए करते हैं और सर्वाइवल के लिए करते हैं. तो ये जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं. ओके, न्यूट्रिशन जो है वो एक खाली फूड को इंटेक करना उतना ही नहीं होता है. इसको पूरी तरीके समझना है. जब हम फूड इंटेक करते हैं, खाते हैं, ठीक है, सो वो कहा जाता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, वहां से डाइजेस्ट होता है और क्या होता है फिर वो एक्सक्रेट हो जाता है. ये पूरी प्रोसेस जो होती है ना वो इस न्यूट्रिशन के अंदर में आती है. ओके, तो न्यूट्रिशन मतलब इतना ही नहीं कि फूड ले लिया बस हो गया है. नो, फूड का पूरा यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी में हो जाता है और वेस्ट मटेरियल जो है वो एक्सक्रिएट होके बाहर निकल जाता है बॉडी के.
तो पूरा इस पूरी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके, नाउ प्लांट्स मेक देयर फूड देमसेल्फ बट एनिमल्स कैन नॉट, सो एनिमल्स डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द प्लांट्स। सो यहां पर क्या कहते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद से बनाते हैं, ठीक है, बट एनिमल जो होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स के ऊपर में डिपेंड होते हैं, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग हमारे इसमें मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, यानी न्यूट्रिशन के टाइप देखने को मिलते हैं कि न्यूट्रिशन किस टाइप के होते हैं। तो मेनली दो टाइप के होता है न्यूट्रिशन, फर्स्ट होता है, एक तो होता है ऑटोट्रॉप्स और दूसरा होता है हेटरोट्रॉप्स, ठीक है। सो अभी हम यही देखते हैं कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, सो चलिए इसको लिख लीजिए, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके माय स्टूडेंट्स, तो हम अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं और वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, उसमें फर्स्ट टाइप देखते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, द मेकिंग ऑफ फूड फॉर देमसेल्फ इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो जो अपना फूड खुद से बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हाउ, ऑटो मींस क्या होता है, ऑटो मींस सेल्फ होता है, ओके, एंड ट्रोफोस मींस क्या होता है, तो ट्रोफोस मींस होता है नरिशमेंट, ठीक है, नरिशमेंट यानी वही हमारा, ओके। प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स बिकॉज दे मेक देयर फूड देमसेल्फ। तो प्लांट्स जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज वो अपना फूड खुद से बनाते हैं, है ना। वो हमारे पास थोड़ी ना मांगने आते हैं कि हम मुझे खाना दे दो, नहीं आते हैं ना, ना ही वो खेती करते हैं हमारी तरह, इंसानों की तरह, कि उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ती है, ना वो किसी का शिकार करते हैं लाइक लायन एंड टाइगर्स एक्सेट्रा, उनकी ऐसे एनिमल्स की तरह। सो इससे पता चलता है कि वो अपना फूड जो है खुद से बनाते हैं। चलो सेकंड टाइप देखते हैं, कि इसमें एग्जांपल तो रह गया भाई, एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, तो प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। तो प्लांट और कुछ बैक्टीरिया, सारे के सारे नहीं, कुछ बैक्टीरिया जो है वो किसमें आते हैं, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं या फिर ऑटोट्रॉप्स में आते हैं। सेकंड देखते हैं हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, सो दे डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। सो ऐसे एनिमल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे एनिमल्स के ऊपर में, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं, अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है हेटरोट्रॉप्स कहा जाता है। और ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, ठीक है। अब ये कहेंगे आप कि सर हमारे यहाँ पर तो हम लोग खाना खुद ही बनाते हैं, तो हम भले ही खाना खुद ही बनाते हैं लेकिन वो आता कहाँ से है, तो दुकान पर से। दुकान पर से कहाँ से आता है, तो बड़े डीलर के पास, उसके पास कहाँ से आता है, तो फार्मर के पास है। फार्मर जो फूड है, ठीक है, वो कहाँ से लाता है, तो ऑफ कोर्स वो प्लांट में से ही तो लाता है ना। तो इसीलिए मैंने पहले कहा था कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो एनिमल्स है वो किस पे डिपेंड होते हैं, तो प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। हेटरो मींस क्या होता है, हेटरो मींस होता है अदर्स, ठीक है, एंड प्रोपोज मींस तो वही होता है, क्या होता है, मींस नरिशमेंट होता है। नरिशमेंट मतलब क्या होता है, पोषण होता है। एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर फूड देमसेल्फ, दे डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड, सो दे आर हेटरोट्रॉप्स, ठीक है। अभी मैंने पहले ही बता दिया कि हम खुद को हेटरोट्रॉप्स, हम खुद हेटरोट्रॉप्स है, खुद को हम ऑटोट्रॉप्स नहीं कह सकते, क्योंकि हम भी डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो
प्लांट्स के ऊपर में डिपेंड रहते हैं हमारे फूड के लिए। नाउ इसमें एक थर्ड टाइप भी आता है न्यूट्रिशन का, वो थर्ड टाइप भी देख लेते हैं कि थर्ड टाइप कौन सा है न्यूट्रिशन का। सो थर्ड टाइप है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ये सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है भाई, ये तो तीसरा टाइप हो गया। द अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय ऑर्गेनिज्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशंस इज कॉल्ड द सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो ये सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एनिमल्स जो किसी ना वो किसी जैसे प्लांट्स है उस पर डिपेंड है ना किसी एनिमल के ऊपर डिपेंड है, बट वो ऐसी डेड बॉडीज के ऊपर में डिपेंड है कि जो डेथ हो रही है, जो डिके हो रही है यानी कि सड़ रही है, ठीक है, तो उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, यानी क्या करते हैं उसमें से अपना जो है न्यूट्रिशन वो ले लेते हैं। किसके फॉर्म में, तो सॉल्यूशन के फॉर्म में। यहां पर लिखा देखो ये भूलना नहीं हमको, ठीक है, किसके फॉर्म में, सॉल्यूशन के फॉर्म में वहां से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है और ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। सो इसके अंदर में अगर हम एग्जांपल देखें तो क्या है, फंगी, तो फंगी सेप्रोट्रॉप्स के अंदर में आता है। ओके, तो यहां पर हमने क्या देखा, अभी हमने पहले इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है, उसमें क्या देखा, उसमें हमने ये देखा कि टाइप्स क्या क्या होते हैं न्यूट्रिशन के, और उसके अकॉर्डिंग हमने थ्री टाइप्स देखे। ओके, थ्री टाइप्स के अंदर में हमने देखा ऑटोट्रॉप, हेटरोट्रॉप और सेप्रोट्रॉप, ठीक है। सो इस लेक्चर में अभी के लिए इतना ही, हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, जैसे कि हमारा चैप्टर क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो प्लांट में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है उसके अबाउट में हम डिस्कस करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको पढ़ना अच्छा लगता हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे दबाओ, उसके बगल में एक घंटी वाला आइकन होगा उसे दबाकर उसमें पहला जो ऑप्शन है ऑल उसे सिलेक्ट कर लो, तो आपको डेली जो है नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और आप इस तरीके से घर बैठे ही अपनी नोट्स बना करके खुद से स्टडी कर पाएंगे और एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे मुझे लिख दीजिए कि सर मुझे ये चीज समझ नहीं पहले आया है, तो उसके मैं अगले लेक्चर के अंदर में जरूर से जरूर आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके माय डियर बच्चास, तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।